हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन सेट के बारे में, और जो कि टारगेटेड बैच है या टारगेटेड क्वेश्चंस हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। आज हम बात करने वाले हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की, जो जिनके पूरे पूरे चांसेस हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जाने के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हु इंट्रोड्यूस्ड द मानसबदारी सिस्टम। जो मनसबदारी सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि किसने इसकी शुरुआत की। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे यही पूछ रहा है। तो जो मनसबदारी सिस्टम था वो शुरू कब किया गया था, ये शुरू किया गया था मुग़ल टाइम पे, या मुग़ल एम्पायर जब चल रहा था उसी टाइम पर। अब मुग़ल एम्पायर में भी ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम क्यों यूज़ किया था कि इसको फ़ायदा हो सके, किस चीज़ों का, कि जो सिविल है यानी कि सिविल रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं या मिलिट्री है वो वॉर के टाइम पे इजीली प्रोवाइड हो सके मुग़ल एम्परर को, या फिर जो मुग़ल जितने भी वॉर्स हैं उनमें हेल्प मिल सके। और ये जो मनसबदारी था, मनसबदारी का मतलब क्या था, इसका मतलब था रैंकिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की रैंकिंग कर दी जानी। किस तरीके से, जैसे कि मान लो अकबर के पास कुछ तीन लोग हैं या तीन नोबल्स हैं। अब इन तीन नोबल्स में जो ए नंबर का है, बी है और एक सी है। जो ए है वो तो ज़्यादा काम करता है, बी कम और सी कम। अब जब ये इसके लिए अकबर के लिए काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अकबर को भी इनको कुछ सैलरी देनी होगी। अब यह सैलरी ना देकर इनको कुछ मनसब दे दिए जाते थे, यानी कि कोई लैंड जिस पर ये अपना काम कर सकें, और पर जब टाइम आएगा तो ये सब क्या करेंगे, किसी ना किसी तरीके से, चाहे सिविल तरीके से या मिलिट्री के तरीके से, जो अकबर है उसको जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। तो ये था मनसबदारी सिस्टम जो कि इंट्रोड्यूस किया था इसने अकबर ने। क्वेश्चन नंबर टू, द मुग़ल एम्परर हु रोट देयर ओन ऑटोबायोग्राफीज। ऐसे कौन से मुग़ल एम्परर हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ खुद लिखे हैं, यानी कि अपने ऊपर किताब, जो उनके टाइम पे घटनाएं हुई, इवेंट्स हुए, उन्होंने खुद लिखे हैं। तो ऐसे दो एम्परर हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ खुद लिखी हैं, पहला बाबर एंड जो दूसरा है वो है जहांगीर। बाबर ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उसका नाम है बाबरनामा, और इसको एक नाम से और जाना जाता है जो है तुजुके बाबरी। और ये जो बाबर है वो किससे रिलेटेड है, बाबर जो है वो अपने फादर की साइड से यानी अपने पिता की साइड से, तो तैमूर की साइड से है। और वहीं जो इसकी माता थी या उसकी मम्मी थी बाबर की, वो किसको बिलोंग करती थी, वो थी चंगेज़ खान की फैमिली से। तो ये जो बाबर है वो इन दोनों को बिलोंग करता है, तैमूर को और चंगेज़ खान को। जहांगीर की बायोग्राफी का नाम है जहांगीरनामा। जो जहांगीर है वो 1605 में एम्परर बनता है, यानी अकबर के बाद में ये एम्परर बनता है, और 1627 तक ये रूल करता है। और ऐसे ही साथ में जो जहांगीर है इसको पेंटिंग्स का बहुत शौक था, और ये खुद ही पेंटिंग्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा निपुण था। थर्ड क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी टू द ट्रूप्स वाज डिक्रीड बाय। यानी कि जो सैलरी है एज अ कैश, या जो सैलरीज हैं ट्रूप्स को दी जाने वाली, वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, या किसने ये जो सिस्टम है पेमेंट का वो शुरू किया था। तो ये सिस्टम बलबन ने शुरू किया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का ही एक एम्परर था या रूलर था, और इसका नाम था पूरा गियासुद्दीन बलबन। इसने रूल किया 1265 से 1287 तक। ना केवल इसने पेमेंट शुरू करी इस टाइम पर, बल्कि इसने सिजदा पैबॉस की जो पॉलिसी थी वो भी इसने शुरू की, सिजदा पैबॉस शुरू करा। इसके साथ में इसने एक नया फेस्टिवल शुरू किया जिसका नाम था नौरोज, जो कि एक क्या था, पर्शियन न्यू ईयर।
एक पर्शियन न्यू ईयर था, और बलबन ने ये जो दल चालीसा थी पहले कि जिसकी वजह से ये जो दल चालीसा उस टाइम पे चल रही थी, या 14 नोवल्स जो उस टाइम पे ऑर्गेनाइज किए गए थे, वो ये बलबन जो है इसको एबॉलिश कर देता है। और इसका रीज़न ये था कि इससे पहले जितने भी एम्पायर थे वो कहीं ना कहीं दल चालीसा से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्हें अपनी थ्रोन को छोड़ना पड़ा या उससे हाथ धोना पड़ा। इसीलिए बलबन ने आते ही सबसे पहला जो काम किया वो दल चालीसा को एबॉलिश करने का किया। और इसी के साथ में बलबन 1287 में मर जाता है। और उसका रीज़न ये होता है कि जब मंगोलॉइड्स का अटैक होता है इसके टाइम पर, तो इसके मंगोलॉइड्स के अटैक में जो इसका बेटा है वो मर जाता है, और इसी के दुख में ये मर जाता है। यानी कि इसे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है इससे रिलेटेड कि पुत्र वियोग में मरने वाला कौन सा एम्परर था या कौन सा रूलर था, तो पुत्र वियोग में मरने वाला बलबन था। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द लास्ट दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान का जो लास्ट एम्परर है या सुल्तान है वो कौन था। अब ये कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और जब बाबर आता है तो इसके साथ बाबर की लड़ाई होती है और बाबर इसको हरा देता है लड़ाई में। और उसी के बाद में जो बाबर है वो मुग़ल एम्पायर की शुरुआत करता है या फाउंड करता है मुग़ल एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। जो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुई थी, यहाँ पहली बैटल हुई थी पानीपत की, उसमें पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई किसके साथ होती है या किसने उसको हराया। अब सबसे पहला क्वेश्चन की फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुई कहाँ थी, तो ये हुई थी हरियाणा में। कब हुई थी, 1191। ये हुई थी मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई में, पहली बैटल में। पर जो सेकंड बैटल होती है उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि एक षड्यंत्र कराया जाता है इसे हराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बाबर वॉज सक्सेडेड टू द मुगल थ्रोन बाय, मतलब कि जो मुग़ल एम्पायर है या मुग़ल एम्परर है बाबर, उसके बाद में उसकी जो मुग़ल थ्रोन है, मुग़ल की राजगद्दी है, उस पर कौन बैठता है। तो बाबर के बाद ही उसका बड़ा बेटा रूल करता है जिसका नाम था हुमायूं। पर हुमायूं की किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, वो इसलिए कि जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है, या हम ये कहें कि ये गद्दी पर बैठने से पहले ही, राजा बनने से पहले ही अपने दुश्मन ले आता है। अब ये होता है कि हुमायूं जब रूलर करता है तो ये रूल करता है पहले 1530 से 1540 तक। अब जब ये 1530 से रूल कर रहा होता है, सबसे पहले जो इसके तीन भाई थे वो खुद ही इसके इनेमी हो जाते हैं, और दूसरा जब ये लड़ाई करता है अपनी जो एरिया है उसको एक्सपेंड करने के लिए, तो उसकी वजह से इसके काफ़ी ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं और ये अपना एम्पायर को संभाल नहीं पाता। उसी के साथ में इसका इसी टाइम पर एक दुश्मन और बन जाता है, वो था शेर शाह सूरी। और इसी की शेर शाह सूरी से दो बार लड़ाई होती है, एक 1539 में और एक 1540 में। 1539 में होती है बैटल ऑफ चौसा, और इस बैटल में बाबर भाग जाता है, पर 1540 में कन्नौज में फिर से बैटल होती है, और इस कन्नौज की बैटल में पूरी तरीके से हुमायूं हार जाता है और उसे बच के भागना पड़ता है। जिसमें जो कन्नौज में जब ये लड़ाई होती है तो एक निज़ाम जो है वो इसको बचाता है हुमायूं को, पर जो मुग़ल थ्रोन है वो एक तरीके से जो यहाँ फिर जो मुग़ल एम्पायर है वो 15 सालों के लिए ख़त्म हो जाता है। पर जब हुमायूं वापस आता है 1555 में तो ये फिर से रूलर बनता है, पर 1556 में ही इसकी डेथ हो जाती है, और 1556 में ही इसका बेटा जो कि 13 साल का था अकबर, वो रूलर बनता है। क्वेश्चन 7, राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज डिफीटेड मुग़ल आर्मी इन द बैटल ऑफ, मुग़ल आर्मी जो है वो राणा प्रताप सिंह के हाथों कौन सी बैटल में हारी थी, तो ये हारी थी हल्दीघाटी की बैटल में।
हल्दी घाटी की बैटल में ये जो थी मुगल आर्मी वो हार गई थी, और ये जो मुगल आर्मी है उसको लीड किसने किया था? इसको लीड किया था मानसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने खैरात? दीवाने खैरात एक डिपार्टमेंट था, और ये जो डिपार्टमेंट था ये किसने एस्टैब्लिश किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहली बात, ये जो दीवाने खैरात था ये था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक चैरिटी, यानी कि लोगों को भला करने के लिए चैरिटी के डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम रखा गया था दीवाने खैरात, और ये बनाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत रंगिनी वॉज रिटन बाय? रजत रंगिनी किसने लिखी थी? तो रजत रंगिनी कलहण ने लिखी थी। और ये जो रजत रंगिनी है ये हिस्ट्री है कश्मीर की, और ये पहली बुक है जो क्रोनोलॉजी पर बेस्ड है। कलहण ने लिखी थी, और ये पहली बुक है जो किस पर बेस्ड है? क्रोनोलॉजी पर, यानी कि उस टाइम पे जितनी भी घटनाएं हुई उनके एविडेंस के साथ में, उसकी पूरी तरीके से कि उसका रीज़न क्या था या किस वजह से हुई, जितने भी एविडेंस थे वो सारे इसमें दिए गए। तो ये पहली किताब थी जो कि कलहण ने लिखी थी, कश्मीर की हिस्ट्री बयां करती है, और ये हमें क्रोनोलॉजी के साथ में मिलती है, जो जिसे पूरी तरीके से एक हिस्ट्री किताब बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ रिगार्डेड एज द सेकेंड अलेक्जेंडर? सेकेंड अलेक्जेंडर किसको कहा जा सकता है या कहा जाता है? तो जो सेकेंड अलेक्जेंडर कहा जाता है वो कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी को सेकेंड अलेक्जेंडर क्यों कहा जाता है? कि जैसे कि अलेक्जेंडर था तो इसने क्या करा था कि जितना भी एरिया था इसने सब, जितनी भी टेरिटरी थी अपने अंदर लेनी शुरू कर दी थी और सबको ऑक्यूपाइड करना शुरू कर दिया था। उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ही एकमात्र था इंडिया में, जितनी भी ऑलमोस्ट एरिया था वो अपना एक्सपेंड किया था सबसे ज़्यादा अपने टाइम पर, या जो इससे पहले रूलर्स थे उनसे ज़्यादा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपना जो एरिया है वो एक्सपेंड किया था। और दूसरा, ये अलाउद्दीन खिलजी ही था एकमात्र इंसान जिसने साउथ इंडिया को इन्वेड किया था, यानी कि ये जो साउथ इंडिया है उस पर किसने रूल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ना तो उससे पहले ना उसके बाद कोई यहाँ पर रूल कर पाया। और ये हुआ था किसकी वजह से? इसका ही एक कमांडर था मलिक काफूर, जो कि ट्रांसजेंडर था, इसी की हेल्प की वजह से ये इसको इनवाइट कर पाया था, यानी कि अपना जो एरिया है इसको बढ़ा पाया था, और इसी साउथ इंडियन मिशन की वजह बाद ही इसने खुद को बोला था सेकंड अलेक्जेंडर या फिर ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर, सेकंड सिकंदर और अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वॉज? मोहम्मद बिन तुगलक के जो प्रोजेक्ट्स या काम थे वो उनमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कौन था? अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी काम किए, नॉलेजेबल इंसान था और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था अपने टाइम पर। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो गई कि ये पढ़ा लिखा था और बाकी सब एवे थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो भी काम करता लोगों को समझ तो आते नहीं थे, इसीलिए इसके काम कोई भी किसी को पसंद नहीं आते थे। अब इसी के साथ में क्या करता है कि सबसे पहले ये देवगिरी में शुरू करता है एक मिशन, पर ये जो मिशन है वो फेल हो जाता है, और इसी मिशन के फेल होने के बाद में ये शुरू कर देता है टोकन करेंसी, यानी कि इंट्रोड्यूस कर देता है टोकन करेंसी। और ये जो टोकन करेंसी है ये बनी हुई थी कॉपर की और ब्रास की, और इनकी जो वैल्यू थी वो गोल्ड के ही बराबर थी। गोल्ड एंड सिल्वर की कॉइन जो उस टाइम पर चल रही थी उसी के बराबर इसकी वैल्यू थी।
पर अब होता क्या है कि जब ये टोकन करेंसी शुरू कर देता है तो इसका भी कोई फ़ायदा इसको नहीं होता, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी यानी कई तरीके की टिप्पणियाँ करने लोग शुरू कर देते हैं उस टाइम पर। और इसका जो रूल है वो रहता है 1325 से 1351 तक, और इसके साथ में इसने लेदर की करेंसी भी शुरू की थी जब इसकी टोकन करेंसी भी फेल हो जाती है, क्योंकि लोग जो हैं इनको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं टोकन करेंसी को। तो इसका कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट कौन सा था, वो था ये टोकन करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शेर शाह बिकेम द एम्परर ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन द बैटल ऑफ। कौन सी बैटल में शेर शाह सूरी ने दिल्ली को जीता था यानी हुमायूं को हराने के बाद में। अभी हमने जब हुमायूं की बात कर रहे थे तभी हमने बात की थी कि 1540 में एक बैटल लड़ी जाती है कन्नौज की, और इसी बैटल में जो शेर शाह सूरी है वो हुमायूं को डिफीट कर देता है, यानी कि जो हुमायूं है वो हार जाता है और जो शेर शाह सूरी है वो इस बैटल में जीत जाता है। और उसी के बाद में शेर शाह सूरी करता है सूरी डायनेस्टी की फाउंडेशन यहाँ की शुरू कर देता है सूरी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट मुस्लिम किंग हु इन्वाइटेड साउथ इंडिया वॉज। पहला मुस्लिम जिसने इन्वाइट किया था साउथ इंडिया तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म द मुगल एम्परर इन इंडिया वॉज, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जब वो फाउंड होती है तो उस टाइम पे कौन सा मुगल एम्परर था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, उसकी जो पहली कंपनी है उसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1600 में। अब 1600 में रूल किसका था, तो 1600 में रूल था किसका, 1556 से और 1605 तक ये टाइम पीरियड किसका रहता है, अकबर का। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो उस टाइम पे रूल था अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज, दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था। तो इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये किससे रिलेटेड था, ये था स्लेव डायनेस्टी का, इसीलिए क्योंकि जब ये इन्वाइटेड होती है इंडिया सबसे पहले तो ये स्लेव था, और बाद में जब इसके ऊपर ही सारा काम सबको छोड़ दिया जाता है तो ये फाउंड कर देता है ये स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि स्लेव था इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ बोथ तैमूर एंड गंगेज खान, या इसको हम एक नाम से और जानते हैं जो कि क्या है, चंगेज खान। तो कौन था, बाबर, बाबर ही था जिसके पापा की फैमिली यानी कि अपनी फादर की साइड से वो तैमूर की साइड से था, यानी कि जो तैमूर है वो इसके थे ग्रेट 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 ग्रैंड फादर। और अपनी मदर की साइड से बाबर था चंगेज़ खान की साइड से, यानी जो इसकी माँ थी वो थी चंगेज़ खान की फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीने इलाही वॉज अ रिलीजन फाउंडेड बाई, दीने इलाही एक रिलीजन था और इसको फाउंड किसने किया था, तो दीने या इलाही की शुरुआत की थी अकबर ने। अकबर ने दीने इलाही की शुरुआत की थी, और सबसे पहले जिसने इसके रिलीजन को यानी दीने इलाही को एक्सेप्ट किया था या एडॉप्ट किया था वो था बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोम्ब ऑफ शेर शाह सूरी इज लोकेटेड एट, शेर शाह सूरी का टोम्ब कहाँ पर है। ये जो शेर शाह सूरी था इसी ने इस्टेब्लिश की थी सूरी डायनेस्टी,
और ये डायनेस्टी कब से कब तक चली थी? ये चली थी 1540 से 1555 तक, और इसी के मरने के बाद में 1555 में ही, सॉरी इससे पहले जब ये मर जाता है 1540s में, तो इसकी जो डेड बॉडी है, इसका जो टॉम्ब है वो रखा जाता है सासाराम में। और सासाराम कहाँ है? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडियन किंग रिक्वेस्टेड नेपोलियन टू ड्राइव द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया? तो इसका आंसर है क्या? टीपू सुल्तान। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज नाउन एज रस्टम ऑफ द एज एंड हीरो ऑफ द टाइम? तो कौन था मलिक काफूर, यानी कि जो कमांडर था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और उसी की वजह से जो ज़्यादातर बैटल थी या जिस पे एकमात्र भरोसा कर सकता था अलाउद्दीन खिलजी, और जो कि क्या था, एक ट्रांसजेंडर था। तो आज हम अपने इस क्वेश्चन सेट को यहीं रोकते हैं। इसी साथ में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। अपनी फीडबैक ज़रूर दें और इसी साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें।